हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने चेहरे को इंस्टेंट फेयर और ग्लोइंग कैसे दे सकते हैं और वो भी ओनली 3 इंग्रेडिएंट से। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं लेके आई हूँ उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स चलो हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स हमें सबसे पहले एलोवेरा लेना है। अब हमें इसके दोनों साइड से कांटे को हटा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। अब हमें इसके ऊपर का लेयर काट लेना है जिससे हमें एलोवेरा जेल मिल सके। ये देखिए फ्रेंड्स अब हमने ऊपर का लेयर निकाल लिया है जिससे हमें फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करने को मिलेगा। अब देखिए हमें इस तरीके से इसे बीच से काट लेना है। फ्रेंड्स इसमें हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो है लेमन यानी नींबू, दूसरा है एलोवेरा और तीसरा है शुगर यानी शक्कर। फ्रेंड्स ये जो लेमन होता है उसमें विटामिन सी और साइट्रिक एसिड इतनी भरपूर मात्रा में होता है जिससे फेस पर इंस्टेंट ग्लो और आपकी स्किन बहुत ही जल्दी ब्राइट होती है। फ्रेंड्स एलोवेरा में बहुत से प्राकृतिक गुण होते हैं जिससे आपके स्किन पर पिंपल्स आदि की समस्या होती है उनमें ये रिमूव करता है और डेड सेल्स में भी रिमूव करता है। एलोवेरा स्किन पर मॉइस्चराइज़र का काम करता है और इंस्टेंट ग्लो देता है। फ्रेंड्स अब जो हमारी तीसरी चीज़ है वो है शुगर यानी शक्कर। फ्रेंड्स इसमें ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिससे आपकी स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स है डर्ट है उन्हें ये रिमूव करता है और इंस्टेंट ग्लोइंग और फेयर लुक देता है। फ्रेंड्स लेमन और शुगर का स्क्रब आपके लिए इतना फ़ायदेमंद है जिससे आपकी स्किन के ऊपर जितना भी डार्क सेल्स है वो इससे रिमूव होता है और एक फेयर एंड ग्लोइंग स्किन आपको मिलती है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। फ्रेंड्स आपको ये एलोवेरा लेना है। ये देखिए आपको एलोवेरा के ऊपर कुछ ड्रॉप्स लेमन के डालने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स लेमन को इसके ऊपर डालने के बाद आपको इसके ऊपर शुगर डालनी है। ये देखिए इस तरीके से। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने फेस पर इसको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स आपको ये ऐसे लेना है और अब इसे अच्छे तरीके से अपने स्किन पर मसाज करना है। देखिए ऐसे आपको स्क्रब करना है। 5 मिनट आपको इसे अच्छे तरीके से मसाज करनी है ताकि ये लेमन का जो जूस है और शुगर है वो आपकी स्किन में पूरी तरह से समा जाए। 5 मिनट मसाज करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे 10 से 15 मिनट सूखने को छोड़ देना है। जब ये अच्छे से सूख जाए तो फ्रेंड्स इसे नॉर्मल पानी से आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स आप इस रेमेडी को हफ्ते में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।